और अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से है, जहां पर बीती रात करवा चौथ का सामान लेकर लौट रहे मोटरसाइकिल सवारों को ट्रक ने रौंदा। करवा चौथ की पूर्व संध्या पर ही उजड़ गया सुहाग। मौके पर हुई एक की दर्दनाक मौत, एक की हालत बनी नाजुक। घायल व्यक्ति को आनन फानन पहुंचाया गया अस्पताल, जहां पर डॉक्टरों ने घायल की हालत को नाजुक देखते हुए ट्रामा सेंटर किया रिफर। वहीं मृतक के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर शुरू की कार्रवाई। मल्हीपुर थाना क्षेत्र के जंगलदास कुट्टी के पास की ये घटना। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से सामने आई है, जहां पर बहराइच जिले के थाना रामगांव क्षेत्र के ग्राम रघवा ज्योत निवासी 22 वर्षीय कुलेराज पासवान की बहन का विवाह सोनवा थाना क्षेत्र के ग्राम तुलसीपुर निवासी 32 वर्षीय कमलेश कुमार पासवान के साथ हुआ था। बीती रात कुलेराज अपनी बहन को करवा देने उसके घर आया था, जहां करवा देने के बाद कुलेराज अपने जीजा कमलेश के साथ उनकी बहन के घर मल्हीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम ककरदरी जा रहा था। जैसे ही कुलेराज बाइक लेकर मल्हीपुर बहराइच मार्ग स्थित बहुरवा स्थित जंगलदास कुट्टी के पास पहुंचा, तभी सामने से आ रही तेज़ रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। इसके बाद दोनों सवार बाइक सहित ट्रक के नीचे चले गए। घटना में कुलेराज की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि कमलेश गंभीर रूप से घायल हुआ। सूचना पर पहुंची मल्हीपुर पुलिस ने गंभीर हालत में उसे संयुक्त जिला चिकित्सालय भिनगा पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद चालक ट्रक मौके पर छोड़कर फरार हो गया। मल्हीपुर पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिनगा भेज दिया है और कार्यवाही शुरू कर दी है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से बड़ी और अहम खबर आपकी स्क्रीन पर। चलो करे वाले पहले वही छुट्टिया ये भी कुछ पता चले तब तो नोट कहीं सार हुए साहेब ही निकल सार हुए हमरे बड़े भाई के सार हुए अस्थायी रहने वाले कहाँ के प्रसाद एरिया खड़ी हुआ।